इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जागृति धाम गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, सीएसआर इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, टीटी लिमिटेड जिंदगी इज गुड, एडलाइफ केयरिंग माइंड साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर, मेक्स यू फिट एंड फैब एंड महल नाम शेड्स एट स्पार्क टू योर लाइफ। फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने जमाना ये जाने चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। जिंदगी अपने आप में एक पहेली है। जिंदगी के राह में चलते चलते कभी हमें ढेर सारी खुशियां मिलती है तो कभी कुछ दुख भी हमारे हिस्से में, हमारे इस बाहों में जिंदगी के आ जाते हैं और यही तो पल मिलकर अपने आप में हमारी जिंदगी को वह जिंदगी बना देते हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं, हमें हर जगह महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आती हैं। उनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर आज ऊंचाई की बुलंदियों को छुआ है और जिनमें नाम आता है सबिता अग्रवाल जी का। तो आइए मिलते हैं सबिता अग्रवाल जी से और करते हैं कुछ बातें। सविता जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू पायल। सविता अग्रवाल, जिन्होंने यह सच साबित कर दिखाया है कि जिंदगी में आने वाली हर एक कठिनाई से लड़ते हुए बिना रुके हुए आज समाज में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म कलकत्ता का ही है, यही मेरी पैदाइश हुई, यही मैं पली, यही बड़ी। यूँ तो सविता अग्रवाल की जिंदगी में ऐसी कई परेशानी आई जो उन्हें झकझोर देने वाली थी। पति की मृत्यु हो जाने के बावजूद उन्होंने अपने कदमों को बिना रोके अपने पति के द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारा और निरंतर आगे बढ़ती रही। सविता जी, आपको प्रेरणा किन से मिली? प्रेरणा तो कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए, समाज के लिए, उनसे ही मिली ज़्यादा तो, और हस्बैंड से भी मिली, बच्चों से भी मिली कि आप आगे आओ कुछ करो। 20 वर्षों से ज्यादा वर्षों तक सविता अग्रवाल हिंदुस्तान क्लब के मेंबर के रूप में कार्यरत है। इसके साथ ही साथ लेडीज विंग और एडिटिंग कमेटी ऑफ क्लब वोटा से भी जुड़ी रही। एक चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने कई तरह के सेल्फ फंडिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। उन्होंने क्लब के लिए बहुत कुछ किया है एंड शी इज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम कर रही है क्लब में एंड शी इज वेरी वेरी एक्टिव। उनको फॉलो करके हम इतना कुछ सीख सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वंडरफुल गाइड टू अस, शी इज ऑलवेज बीन एट द बैक ऑफ अस दैट एवरीथिंग मस्ट गो ऑन परफेक्ट, शी इज परफेक्शनिस्ट। आई फील लाइक सेइंग
बिकॉज आई हैव जस्ट मेट हर ट्वाइस बट देयर इज समथिंग अबाउट हर पर्सनालिटी। जो लेडीज क्लब के लिए काम करती हैं वो अपने घर में भी कुछ कुछ काम करती हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सविता जी ने ये कदम आगे बढ़ाया है। ऑल माई फ्रेंड सर्कल मेरे को इतना हेल्पफुल है, इतनी सपोर्टिव है कि इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आई थिंक इन हर लीडरशिप अ लॉट मोर थिंग्स शी वुड डू इन द कल्चरल साइड, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई थिंक शी इज एन एक्सेलेंट पर्सन। ये खुद अपने में स्टार मेकर है, सेलिब्रिटी है और खुद बहुत बड़े आइडल है जिनको देखकर बहुत कुछ सीखने का है। इन सब के अलावे सविता अग्रवाल लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता चेतना की पास्ट प्रेसिडेंट भी रही। अभी भी वो कई सामाजिक और व्यवसायिक संस्थाओं से जुड़ी हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, लेडीज विंग ऑफ कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन क्लब, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन आदि से जुड़ी हैं, और इन्होंने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया है। सविता जी, आप कौन कौन से सामाजिक कार्य करती हैं? सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ने का बहुत मन हुआ था, इसीलिए मैंने लॉयंस क्लब ज्वाइन किया, और उसके थ्रू हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड जो अपना समाज का तबका है उसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर पाते हैं। उसमें लिम्स लगाना, गरीब बच्चों के लिए हमने एक बुक लाइब्रेरी खोली है ढापा में, वहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोला है जिसमें कि बच्चे आके, गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं वो वहाँ कंप्यूटर सीखते हैं। सिलाई मशीनें लगाई हैं जो कि लेडीज़ को सिलाई करके अपना जीवन चलाने में हेल्प करती हैं। सविता अग्रवाल ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बड़े ही अच्छे ढंग से संजो कर रखा है। इनके बच्चों का कहना है कि सविता अग्रवाल उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। माय मॉम इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, शी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी एंड शी इज अ वेरी करेजियस वुमन। शी इज हैंडल्ड everything in life, lots of ups and downs, but she's always been smiling through all the situations. meri badi beti hai, sabse badhiya kaam karti hai, agar kaam nahi chala gaya to sabse kaam karti hai, sabse samta deti hai, sabse kaam karwati hai. There's a lot I have to say about my mother-in-law. I've learnt a lot from her in my life. When I got married I hardly knew anything, and what I have learned and what I am today is because of what I've learned from her. Kabhi hum log ko bhi koi takleef hoti to hum log bolte bhai ko, to bhai har cheez ka nivaran kar sakte hai. Aur aaj dekhte hain ki hum log kitne piche chhut gaye hain aur wo kitna aage badh gayi hain har field mein, kya socializing mein, kya grooming mein. Savita ji meri sabse badi behan hai. Main usually hamesha, she is so forward in every sphere. मैं हमेशा मजाक में उनको बोलती हूँ ये मेरी दो की सगी बहन है। जब उनकी शादी हुई थी आई वॉज ओनली 3, शी इज एक्चुअली स्पीकिंग शी इज मम टू मी। इतनी उम्र होने के बावजूद इन्होंने अपने को फिट रखा है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समाज के लिए कार्य कैसे करेंगे। और इन सब के बावजूद वे अपनी पारिवारिक व्यवसाय ग्रासिम शोरूम में भी अपना समय देती है। सविता जी, आज आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, आज आप नानी बन चुकी हैं, दादी बन चुकी हैं, उसके बावजूद आप इतनी फिट हैं, तो आपके फिटनेस का राज क्या है? मैं हर महिला से ये कहूंगी कि पहले अपने आप को ध्यान दो, अपने आप के लिए वो 10 मिनट जरूर निकालें। और मैं अभी रोज 40 मिनट या 30 मिनट जैसा भी समय मिलता है मैं योगा जरूर करती हूँ, वॉकिंग के लिए भी समय निकालती हूँ, स्विमिंग के लिए भी जाती हूँ। तो ये सब चीजों से महिलाएं हो या पुरुष हो अपने आप को फिट रख सकते हैं। और वाकई सविता अग्रवाल जैसी महिलाएं ही समाज में आगे बढ़कर समाज में रहने वाले कितने लोगों की जिंदगी को बनाती हैं। वाह जिंदगी। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। हमेशा की तरह अपने प्यार भरे सुझाव हमें लिख भेजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिल सके कि हम आपके सामने और भी कुछ अच्छा और भी कुछ नया लेकर आ पाए। हमारा नंबर है 9674668888, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं wahzindagi@yahoo.com पर। खोलिए YouTube का पेज और टाइप करिए वाह जिंदगी, और आप देख पाएंगे अब तक हमने किस प्रकार से लोगों की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी। और जाते जाते मैं हमेशा की तरह बस एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने अपने परिवार का और अपने समाज का और उन हजारों लोगों का जिनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो कि हमारे जीवन में है,
उनकी जिंदगी का, उनके सेहत का ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जागृति धाम अ गोल्ड एज होम, आनंद फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, सीएसआई इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, टीटी लिमिटेड जिंदगी इज गुड, एट लाइफ केयरिंग माइंड्स, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर, मेक्स यू फिट इन फैब एंड महल लैम शेड्स एट स्पार्क योर लाइफ।